कल रात सलमान खान को सांप ने काट लिया। सलमान तब अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर थे। 27 दिसंबर को सलमान का जन्मदिन है और इसी को परिवार और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने सलमान वहां पहुंचे थे। सलमान अपने दोस्तों के साथ मस्ती ही कर रहे थे कि सांप ने उन्हें डस लिया। डॉक्टर्स ने अब सलमान की हेल्थ पर बड़ी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सलमान को जिस सांप ने काटा वो ज़्यादा जहरीला नहीं था, लेकिन जैसे ही सलमान अस्पताल पहुंचे, उन्हें 2020 स्नेक वेमन का इंजेक्शन लगाया गया। सलमान और उनके घरवाले काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए डॉक्टर ने सलमान को अस्पताल में ही रखा और एक डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी करती रही। वैसे तो अगर सांप का जहर शरीर में फैलने लगे तो 3-4 घंटे में पता चल जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर डॉक्टर्स ने सलमान को 6-7 घंटे अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा। सलमान से पूछा गया कि उन्हें ठीक महसूस हो रहा है। सलमान के हाँ कहते ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल सलमान बिल्कुल फिट हैं और वो फिर से पार्टी मनाने अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर पहुंच गए हैं। फिर भी डॉक्टर ने सलमान से कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत संपर्क करें।